सितंबर का महीना चालू हो चुका है। सितंबर माह में 12 राशि के जातकों के लिए उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी। आइए पंडित जी से जानते हैं किन राशियों को फायदा किन राशियों को नुकसान होगा। जी, भारतीय शास्त्र में ज्योतिष शास्त्र को अधिक माना जाता है और भारतीय लोगों में ही अधिकतर मान्यता होती है कि हर कार्य ज्योतिष के अनुसार किया जाता है। तथा अब यह सितंबर का माह प्रारंभ हो चुका है, इसमें विशेषकर अनेक राशियों में शुभ तथा अशुभ परिणाम देखने को मिलते हैं और कुछ के लिए बहुत शुभ रहता है और कुछ के लिए मध्यम रहता है और कुछ के लिए उच्च और नीच, इस प्रकार के ग्रह आपस में राशियों में उतार चढ़ाव बना रहता है। तथा इसी प्रकार हम राशि फलों की बात करते हैं कि सितंबर माह किस प्रकार जातकों के लिए रहेगा। सर्वप्रथम अपन मेष राशि की बात करते हैं। मेष राशि वाले जातकों के लिए यह सितंबर का माह बहुत ही अच्छा रहने वाला है तथा व्यापार में प्रगति मिलेगी तथा मान सम्मान में प्रगति मिलेगी तथा धन खर्च में ध्यान देने की आवश्यकता है। वृषभ राशि वालों के जातकों के लिए सितंबर का महीना बड़ा ही शुभ रहने शुभ अवसर आने की संभावना है तथा विदेश यात्रा का संभावना बन रही है तथा अनेक प्रकार के शुभ संकेत मिलेंगे। और मिथुन राशि वाले जातकों के लिए शुभ संकेत मिलने वाले तथा कोई बड़ी जिम्मेदारी उन पर आने की संभावना है और जीवन खुशहाल रहेगा। कर्क राशि वाले जातकों के लिए सितंबर का माह सामान्य रहेगा तथा राजनीति में जो रखते हैं अपना भविष्य रखते हैं उनके लिए ये उत्तरार्ध में चंद्र बड़ा शुभ कहा गया है और उसके पश्चात व्यक्ति के कारोबार में नई प्रगति मिल सकती है। सिंह राशि वाले जातकों के लिए सितंबर का माह सामान्य रहेगा तथा जो बड़े दिनों से अपने शुभ संकेत तथा अनेक प्रकार के कार्य को सोच कर रखे हैं वो सितंबर के माह में पूर्ण होने का तथा अनेक प्रकार से लाभ प्राप्त होने का संकेत मिल रहा है। कन्या राशि वाले जातकों को विदेश जाने का योग बन रहा है तथा प्रबल योग बन रहे हैं और अनेक प्रकार के शुभ संकेत तथा नौकरी में उन्नति मिलेगी। तुला राशि वाले जातकों के लिए यह सितंबर का माह शुभ कहा गया है, इसमें पारिवारिक सुख समृद्धि बनी रहेगी तथा शांति बने रहेगी और अनेक प्रकार से उन्नति के योग दिख रहे हैं। वृश्चिक राशि वाले जातकों को जो नौकरी के लिए बहुत समय से प्रयास कर रहे हैं उन्हें नौकरी मिलने का योग बन रहा है तथा अपने कार्य को बेहतर तरीके से करने का प्रयास करें तथा शुभ संकेत रहेगा। धनु राशि वाले जातकों के लिए सितंबर का माह सामान्य रहेगा तथा अपने बोलने पर अपने व्यवहार पर नियंत्रण रखें और संभल करके कार्य करने की आवश्यकता है। राशि वाले जातकों के लिए यह माह सामान्य रहेगा, स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव रहेगा तथा स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता है। कुंभ वाले राशि वाले जातकों के लिए महीना शुभ रहेगा। यदि किसी के कचहरी या कोर्ट में कोई केस चल रहा हो तो उसका सुलझना कहा गया है और यह केस का फैसला अपने हक में आने का संभावना है मिलेंगे। मीन राशि वाले जातकों के लिए सितंबर का माह सामान्य रहेगा तथा कार्य में उतार चढ़ाव बना रहेगा तथा आगे के कार्य के लिए रास्ता मिलेगा।